हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका मिश्रा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास सिक्स्थ वसंत भाग एक से चैप्टर नंबर 3, जिसका शीर्षक है नादान दोस्त, इसके प्रश्न उत्तर देखेंगे। इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ, जो आप हमारे कमेंट बॉक्स के लिंक के थ्रू देख सकते हैं। नादान दोस्त एक कहानी है जिसे प्रेमचंद्र जी द्वारा लिखा गया था, जिसमें दो बच्चे श्यामा और केशव जो अंडों की सुरक्षा के लिए क्या क्या जतन करते हैं और अपनी जो है बाल अपनी जो बाल अवस्था में जो भूल करते हैं उसके बारे में बताया गया है। वो करना तो अच्छा चाहते हैं लेकिन उनसे क्या हो जाता है, गलत हो जाता है नादानी में उनकी, तो इसलिए इस चैप्टर का नाम दिया गया है नादान दोस्त। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसके प्रश्न उत्तर। क्वेश्चन फर्स्ट है अंडों के बारे में। केशव और श्यामा के मन में किस तरह के सवाल उठते थे, वे आपस ही में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दे दिया करते थे, तो इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर क्या है? आंसर है जो बालपन क्या होता है, हमारा जो बचपन होता है वो कैसे भरा होता है, जिज्ञासाओं से भरा होता है। हमें हर चीज़ की जानने की ये जिज्ञासा होती है अंदर। तो उन्होंने क्या किया, पहले कभी अंडे नहीं देखे थे, उनके घर वालों ने भी उनको अंडों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी, तो उनको पता ही नहीं था कि अंडों का आकार कितना बड़ा होता है, अंडे किस रंग के होते हैं, उनमें से बच्चे कैसे पैदा होते हैं, वे क्या खाते हैं। तो बच्चों के मन में जो है इस तरह के सवाल जो आना था वो क्या था, स्वाभाविक था। बचपन में कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं, तो हम उसको जानने के लिए बहुत उत्सुक होते हैं कि इसके बारे में जानें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केशव ने श्यामा से चीथड़े, टोकरी और दाना पानी मंगाकर कार्निस पर क्यों रखे थे, इसका आंसर देख लेते हैं। कार्निस पर क्या था, कार्निस पर जो है चिड़िया के अंडे थे। तो केशव और श्यामा दोनों ने क्या सोचा कि अंडों से जो है बच्चे निकल आए होंगे, तो उन्हें क्या लग रही होगी, धूप लग रही होगी, तो धूप से बचाने के लिए उन्होंने क्या बनाया, छत बनाया, इसलिए टोकरी मंगाई गई थी। और चीथड़ों से क्या किया, चीथड़ों से वो उन्होंने उनके लिए क्या बना दी, गद्दी बना दी, और दाना पानी मंगाकर उनकी भूख मिटाने का प्रबंध किया गया, और प्याले में खाने के लिए क्या रखा, दाना और पानी रख दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा की या नादा ने, तो इसका आंसर देख लेते हैं। क्या है, केशव और श्यामा ने अपनी ओर से तो उन अंडों की रक्षा करनी चाहिए, पर क्या हुआ, जो उनकी नादानी सिद्ध हुई, क्योंकि चिड़िया जो है अपने अंडों की रक्षा स्वयं कर सकती थी। बच्चे ने क्या किया, अंडों की रक्षा जो करने के प्रयास में उन्हें छूकर कैसा कर दिया, गंदा कर दिया। तो उन्हें, उन बच्चों को नहीं मालूम था कि यदि वे अंडों को छू लेंगे तो क्या होगा, चिड़िया जो है उन्हें छोड़ देगी। तो वास्तव में वे क्या, वे तो उस अंडों की रक्षा करना चाहते थे, लेकिन क्या हुआ, उनसे नादानी में रक्षा से क्या हो गया, हत्या हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में क्या क्या अनुमान लगाए, यदि उस जगह तुम होते तो क्या अनुमान लगाते और क्या करते, तो इसका आंसर देख लेते हैं। केशव और श्यामा ने अनुमान लगाया कि अब उन अंडों से बच्चे क्या होंगे, निकल आए होंगे, तो चिड़िया जो है इतना जो खाना है उनके लिए कहाँ से लाएगी। तो उन्होंने क्या कहा, गरीब बच्चे इस तरह से क्या करेंगे, चूचू चूचू करके क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, तो उन्हें धूप से भी कष्ट होगा, धूप तेज होगी तो भी उनको तकलीफ होगी। तो क्या किया, केशव और श्यामा की जगह हम भी होते तो हम भी यही अनुमान लगाते भाई कि कोई जानवर या जीव जंतु जो है उस अंडों तक नहीं पहुंच पाए, तो कार्निस तक कोई जानवर ना पहुंचे, मैं इसका प्रयास तो करता, तो हम अंडों के साथ छेड़छाड़ तो नहीं करते, चिड़ियों के लिए क्या करते, दाना हम कार्निस पर रखते ही जगह नीचे ज़मीन पर बिखेर देते, दाना कार्निस पर भी रख देते हो, नीचे ज़मीन पर भी बिखेर देते, वो आके वहाँ से चुग लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोपहर में बाहर क्यों निकल आए? माँ के पूछने पर भी दोनों में से किसी ने किवाड़ को, किवाड़ मतलब दरवाज़ा होता है, खोलकर दोपहर में बाहर निकलने का कारण क्यों नहीं बताया? इसका आंसर देख लेते हैं। क्योंकि क्या है, वही समय ऐसा होता है कि जब वे कैसे बाहर का कैसे आते हैं, चुपचाप चिड़िया के बच्चों को देख सकते थे, तो माँ जो है उनको देख लेती तो अंडों को क्या नहीं करने देती, हाथ नहीं लगाने देती। तो माँ के पूछने पर पिटाई के डर से दोनों में से जो है किसी ने बाहर निकलने का जो है कारण है नहीं बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रेमचंद्र जी ने इस कहानी का नाम नादान दोस्त रखा, आप इसे क्या शीर्षक देना चाहोगे? तो हम इसका दूसरा जो अन्य शीर्षक है क्या दे सकते हैं, रक्षा में हत्या या बच्चों की नादानी भी दे सकते हैं। आपको अगर और कोई सुटेबल लगे तो आप वो भी रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस पाठ में जो है गर्मी के दिनों की चर्चा है, अगर सर्दी या बरसात के दिन होते तो क्या होता? अनुमान करो और अपने साथियों को सुनाओ। तो इसका आंसर देखते हैं। अगर सर्दी के दिन होते तो केशव और श्यामा अंडों को ठंड से बचाने की व्यवस्था करते और उन्हें उनकी माँ उन्हें इतनी ठंड में क्या करती, बाहर निकलने के लिए डांटती। अगर बरसात का मौसम होता तो वे अंडों के पानी से बचाने के लिए चिंतित रहते हैं, तो उस समय भी उन्हें उन पानी में बाहर निकलने के लिए उनकी माँ की डांट सुननी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाठ पढ़कर मालूम करो कि दोनों चिड़िया वहाँ फिर क्यों नहीं दिखाई दी, वे कहाँ गई होंगी? इस पर अपने दोस्तों के साथ मिलकर बातचीत करो। तो इसका उत्तर देख लेते हैं। जो चिड़िया है, चिड़ियों के सारे अंडे क्या हो गए, फूट गए, इसलिए दोनों कहाँ चली गई, पता नहीं कहाँ चली गई। और फिर क्या हुआ, कभी वापस नहीं आई, तो वे दोनों वहाँ से किसी दूसरी सुरक्षित जगह पर चली गई होंगी, वहाँ नया घोंसला बनाया होगा और फिर से क्या हुआ होगा, अंडे दिए होंगे। केशव और श्यामा चिड़िया के अंडों को लेकर बहुत उत्सुक थे। क्या तुम्हें भी किसी नई चीज़ या बात को लेकर कौतूहल महसूस हुआ है? ऐसे किसी अनुभव का जो है वर्णन करो और बताओ कि ऐसे में तुम्हारे मन में क्या क्या सवाल उठे। तो इसका आंसर देख लेते हैं। मुझे अपने घर में पैदा हुए बिल्ली के जो है नवजात बच्चों के प्रति कौतूहल बना रहता था। तो वो एक बार मेरे घर के पिछले हिस्से में क्या था, बिल्ली ने 3 बच्चे दिए थे, तो उन्हें देखकर मुझे क्या लगता था कि बिल्ली जो है अपने बच्चों को मुंह में दबाकर एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाती है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाती थी उन्हें, तो उन्हें देखना मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं माँ से छुपकर कटोरी में दूध रखाया करती थी और कभी कभी अपने हिस्से की रोटी भी उन्हें खिला देती थी। तो मेरे मन में जो है अक्सर सवाल उठता था कि बिल्ली अपने बच्चों को मुँह में दबाती है तो क्या उन्हें दर्द नहीं होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केशव ने झुंझलाकर कहा, केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, केशव घबराकर उठा, केशव ने टोकरी को एक टहनी से निकाल टिकाकर कहा, श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा। ऊपर जो वाक्य दिए गए हैं, रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखो और ये शब्द रीति रिवाज क्रिया विशेषण का काम कर रहे हैं, क्योंकि जो है ये बताते हैं कि बोलने और उठने की क्रिया कैसे हुई है। तो कर वाले शब्दों के क्रिया विशेषण होने की एक पहचान भी ये है, अक्सर क्रिया से ठीक पहले आते हैं। अब तुम भी इन 5 क्रिया विश्लेषणों का वाक्यों में जो है क्या करना है, प्रयोग करना है। तो इसका उत्तर देख लेते हैं। तो झुंझलाकर का वाक्यों में प्रयोग क्या होगा, मोहन की बात सुनकर नेहा क्या हो गई, झुंझलाकर चली गई। आप इसके अलावा और कोई भी वाक्य बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि यही वाक्य बनाएं। खा देख लेते हैं, बनाकर माँ खाना बनाकर चली गई। गा देखते हैं, घबराकर दुर्घटना की खबर सुनकर घबराकर उठा। टिकाकर अर्जुन ने नजरें टिकाकर निशाना साधा। गिड़गिड़ाकर राजीव ने गिड़गिड़ाकर किससे माफ़ी मांगी, श्याम से माफ़ी मांगी। तो स्टूडेंट्स, इसके क्वेश्चन आंसर्स एंड होते हैं।
नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक भी करिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलिए। वहाँ पे आपको सभी सब्जेक्ट की PDF मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।